जय गुरु जी। गुरु जी के लंगर का वहीं पर मंदिर में बैठकर खाने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्यों गुरु जी ने कहा है, इत्थे बह के खाओगे ते दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है? क्यों गुरु जी का लंगर प्रसाद हमें गुरु जी के मंदिर में या जहाँ सत्संग हो रहा है वहीं बैठकर खाना चाहिए? आज के सत्संग में ये बात आपको जानने को मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी बात है। इसे नोट करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को बताइए कि लंगर प्रसाद को घर में नहीं लाना है, गुरु जी के स्थान पर ही बैठ के खाना है। चाहे आप बड़े मंदिर जाएं, वहाँ पर लंगर मिले वो हो, या किसी के घर सत्संग में जाएं, या किसी कम्युनिटी सत्संग में जाएं, वहाँ पर जो लंगर मिले उसको वहीं पर बैठ के खाना है। कभी कभी इच्छा होती है दोबारा से लंगर मांगने की, रिफिल कराने की। मैं ऐसा आपको एडवाइस करूँगा, मेरा ऐसा मानना है कि अगर सेवादार आपके पास खुद आए तो ले लीजिए, अगर आपकी इच्छा है। नहीं तो कोशिश करिए, एक बारी में जो लंगर मिला है उतना ही काफ़ी है। अगर इच्छा करती है तो फिर भी आप मांगिए मत, जब सेवादार आए आपसे खुद पूछें कि आपको कुछ चाहिए तब आप ले लीजिए। सत्संग में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आइए सुनते हैं सत्संग, बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है, लंगर प्रसाद की महिमा का पता लगेगा हमें। जय गुरु जी, आइए सुनते हैं। गुरु जी के पास आते हुए शायद 2 महीने हुए होंगे कि मुझे अपना आई वॉज ब्लेस्ड विथ माई ड्रीम जॉब बाई गुरु जी। इससे पहले मैं दिल्ली में जॉब करती थी और पहले गुड़गांव आने से पहले हम दिल्ली में रहते थे। मैं दिल्ली कैंट में लोरेटो कॉन्वेंट में आई वॉज टीचिंग मैथ्स इन फॉर सीनियर स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ गुड़गांव शिफ्ट करने के बाद मैं यहाँ से कम्यूट करके कभी बस स्कूल बस में जाना तो कभी ड्राइव करके जाना। तो कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा इट वॉज गेटिंग ऑन टू मी। और फिर मैंने सोचा कि मुझे अब गुड़गांव में ही कुछ जॉब ढूंढ लेना चाहिए, जबकि मेरे पास एक परमानेंट जॉब था। 8-9 साल स्कूल में जॉब कर चुकी थी मैं, वहां पे आई हैड अ परमानेंट जॉब। फिर भी इसके बावजूद आई पुट इन माई पेपर्स एंड आई थॉट आई लुक फॉर समथिंग इन गुड़गांव। और गुरु जी ने पता नहीं एक ऐसा जरिया फिर बना दिया कि मैंने एक स्कूल में जब एप्लीकेशन डाली जॉब के लिए, टीचर्स फॉर टीचर्स पोस्ट, मेरा इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू के एंड में हमारे चेयरमैन ने टू माई सरप्राइज मुझे बताया कि आई हैव बीन चोजन नॉट फॉर अ टीचिंग पोजिशन, टीचर्स पोजिशन, बट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था और मुझे वहां के प्रिंसिपल का पोस्ट ऑफर हुआ। मैं तो सोच भी नहीं पाती थी, मैं तो आई वॉज टोटली फ्लैबरगास्टेड। मैं सोच नहीं पा रही थी कि कहां मैं एक टीचर्स की पोजिशन के लिए आई हूं और मुझे एक प्रिंसिपल का पोस्ट मिल रहा है। ये गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या हो। विद इन दिस 2 मंथ्स ऑफ माई गोइंग टू गुरु जी दिस हैपन्ड। और समझ नहीं पाए कि ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग। ना समझ, हम ना समझ समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि अपनी अचीवमेंट है। अगर ऐसा ही था तो शायद, अगर गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं होती तो शायद मैं एक टीचर ही बनी रह जाती शायद। खैर, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, अ गुड टर्निंग पॉइंट इन माई करियर। एंड उसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग, उस जॉब से रिलेटेड। मुझे उस स्कूल में, जैसे कि आप, इट वॉज अ प्राइवेट स्कूल, और जैसे कि आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल जहां तक दे आर नॉट वेरी गुड पे मास्टर्स, सम स्कूल्स, कुछ तो बहुत अच्छे। दैट पर्टिकुलर स्कूल उन्होंने देखा ये तो टीचर्स पोजिशन के लिए आई है, तो हालांकि टीचर्स स्केल उन्होंने उस समय ऑफर किया था, आई हैड गॉन फॉर द टीचर्स पोजिशन। तो उन्होंने क्या किया, मेरी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा के गेव मी अ प्रिंसिपल पोजिशन, बट दे नेवर गेव मी अ प्रॉपर स्केल ऑफ अ प्रिंसिपल। तो मैं आई वॉज क्वाइट ओके विद इट, बिकॉज मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। आई वॉन्टेड टू गेट सम एक्सपीरियंस इन द फील्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई वॉज ओके विद दैट। बट 4-5-6 महीने हुए और जब मैंने देखा कि आई पुटिंग सो मच एफर्ट इन द स्कूल,
और मेरी इन टर्म्स ऑफ माय सैलरी आई एम नॉट बीन कमिंग, इट्स नॉट बीइंग पेड, तब मुझे लगा कि शायद ये मेरे साथ एक फेयर प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं सुबह जब तैयार हो रही थी, मैं गुरुजी से बहुत बातें करती थी, उनके स्वरूप, हमें स्वरूप जो मिले थे उन दिनों में जो भी स्वरूप मिलते थे, मैं गुरुजी से सुबह तैयार हो रही थी स्कूल को, एंड मैन आई जस्ट टोल्ड गुरु जी, गुरु जी मैं इतनी मेहनत करनी है, देखो मैंने की तनख्वाह दिन देने हैं लोग, नॉट दैट इट वॉज लेस बट प्रोबेबली नॉट जस्टिफाइड। तो हुआ क्या कि एट द एंड ऑफ द डे शाम को जब मैं वाइंड अप कर रही थी, तो चेयरमैन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, एंड आई वेंट टू द चेयरमैन ऑफिस एंड ही गेव मी अ लेटर। तो लेटर पढ़ा तो आई सॉ कि दे हैड रेज माई सैलरी, एंड माई सैलरी वॉज मोर देन डबल ऑफ वॉट आई वॉज ड्रॉइंग अर्लियर। ये देखिए गुरु जी कैसे छोटी छोटी बातें ऐसे सुनते हैं। ये सुबह मैंने गुरु जी से, मैंने कोई डिमांड नहीं करी थी, मैंने कुछ मांगा नहीं था, बस अपने अपनी फीलिंग शेयर करी थी गुरु जी के साथ, और उसी दिन शाम को मुझे ये ऑफर हुआ, और अगेन गुरु जी की मेहर। गुरु जी क्या नहीं सुनते, आपकी छोटी सी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, क्यों ना हम अपने मालिक का शुक्राना करें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना बेअंत अनंतम शुक्राना। अभी मैं अपनी छोटी बेटी की एक सत्संग करना चाहूंगी। जब हमने गुरुजी के पास जाना चाहा, तो माय यंगर डॉटर जो सीमेंस में जॉब कर रही थी, शी इज एन आईटी प्रोफेशनल, तो शी वाज गोइंग थ्रू अ मेडिकल प्रॉब्लम जिसे मायस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, जिससे उसके आंखों के कुछ नर्व्स कमजोर हो गए थे, मसल्स और नर्व्स कमजोर हो गए थे, और जिसकी वजह से उसकी एक आईलिड कभी कभी ड्रूप कर जाती थी, तो यानी कि नीचे को ड्रूप कर जाती थी। वैसे तो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, पर एक यंग गर्ल, अनमैरिड गर्ल के लिए इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग एट द प्लेस ऑफ वर्क, चाहे वो बाहर फ्रेंड्स के साथ थी या वर्क प्लेस पे, तो वेरी एम्बेरसिंग फॉर है। उसे उसके लिए एक मेडिकेशन न्यूरोलिस्ट दे रखी थी, सो विच शी हैड टू टेक एवरी 6 to 8 आवर्स, जिससे वो कंडीशन ऑफ द आई वाज, द नर्व्स वर बीइंग कंट्रोल्ड, और फिर जब वो उसका असर खत्म होता था फिर से वो ड्रूप करने लगती थी। तो इसको शायद ऑलमोस्ट अ ईयर हो गया था, और दवाई खाके, और फिर देन शी हैड टू गो फॉर रेगुलर टेस्टिंग, आरएनएस टेस्ट जिसे बोलते हैं, रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट भी कराना पड़ता था उसे। वो एकदम तंग आके उसने कहा का कि घर पे बताया कि मैंने अब दवा लेना छोड़ दिया, हमें बताया हम दोनों को कि आई एम फेड अप ऑफ दिस एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर मेडिकेशन, और मैं केवल गुरुजी पे छोड़ दूंगी अब जैसे गुरुजी चाहें वैसा ठीक रहेगा मेरे लिए। उसी दिन शाम को एम्पायर स्टेट में हम गुरु जी के चरणों में जब तीनों पहुंचे, तो गुरु जी ने उसे अपने सामने, बिल्कुल सामने उसे बिठाया, उसे वहां सामने बैठने का मौका मिला। वो दिन और आज का दिन, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आया। शी वॉज टोटली क्योर्ड ऑफ दैट प्रॉब्लम, शी डिडंट हैव टू टेक एनी मेडिकेशन, कभी कुछ लेना नहीं पड़ता, और वो बिल्कुल ठीक हो गई, और वो कभी वो प्रॉब्लम वापस नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी की मेहर से जुड़ने के 1 साल में ही उसकी शादी हो गई, बल्कि 4-5 महीने में ही उसकी सगाई हो गई थी, और 1 साल में उसके पसंद के लड़के से उसकी शादी हो गई। एक्सक्यूज मी, गुरु जी के नाम से उनके शादी के कार्ड्स छपे, गुरु जी के पास हम वेडिंग कार्ड्स लेके गए, गुरु जी ने ब्लेस किया और संगत को डिस्ट्रीब्यूट करे, और संगत छोटी बेटी की शादी में आई, ये हमारा सौभाग्य रहा। इतनी ब्लेसिंग्स मिली इस परिवार को और बच्चों को कि जितना भी हम शुक्राना करें वो कम है। शादी के एक दिन पहले हमारी छोटी बेटी
खास गई गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने, और शादी के बाद दोनों बेटी और दामाद भी जाके उनसे उन्होंने गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली। बहुत ही बहुत ही वो मोमेंट्स वे वेरी आर वेरी प्रेशियस टू अस, जब दोनों बच्चों ने जाके गुरुजी के चरणों में माथा टेका और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, उनकी शादी ब्लेस की, उन्हें ब्लेस किया। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर आवर फैमिली। अब एक सत्संग मैं अपने अंकल का करना चाहूंगी जो हमारे लिए एक बहुत ही अहम सत्संग है, क्योंकि बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु जी की हमारे इस परिवार पे रही है। गुरु जी से जुड़ने के बाद अंकल का एक नया जॉब दिल्ली में लगा, तो वो गुड़गांव से दिल्ली जाते थे और शाम को करीब 6 बजे लौटते थे। मैं करीब 4 बजे वापस स्कूल से आती थी। एक दिन में जब मैं शाम को आई 4 बजे, तो देखा अंकल घर पे पहले से पहुंचे हुए थे। तो पूछा तो बताया उन्होंने कि वो थोड़ा सा दल महसूस करते, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है उनको, और वो आराम करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने आराम किया। अगले दिन, वो फ्राइडे का दिन था मुझे याद है, और अगले दिन सैटरडे था और उनका ऑफिस खुला था, तो वो सैटरडे को गए ऑफिस और 1-2 घंटे में फिर उनको वही महसूस हुआ, वो बैठ नहीं पाए, वो वापस आ गए। मैंने उनको कहा डॉक्टर के पास चलते, नहीं माने नहीं, कहते नहीं मैं थोड़ा सा 2 दिन आराम करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, सिर्फ कमजोरी हो रही है मुझे। संडे निकल गया और मंडे को जब वो ठीक नहीं हुए, उन्होंने ऑफिस जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तब मैंने कहा कि मैं भी छुट्टी दे रही हूं, हम दोनों चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेट्स गेट दैट चेकअप डन। तो उनका नहीं नहीं तुम छुट्टी मत लो, तुम्हारा जॉब जरूरी है, यू नीड टू बी इन स्कूल, तुम जाओ, मैं अपने आप चला जाऊंगा और अपना चेकअप करवा लूंगा। और उन दिनों में गुड़गांव में कोई भी ये बड़े हॉस्पिटल्स, कोई भी जो अब आए हमारे मेदांता, आर्टिमिस और फोर्टिस और वगैरह वगैरह, वो कोई भी नहीं थे, और छोटे मोटे बस हॉस्पिटल्स थे। घर के पास था एक उंकल हॉस्पिटल, तो वो वहां चले गए और वहां उन्होंने चेकअप अपना करवाया, तो ECG हुआ, तो डॉक्टर्स ने बताया कि योर ECG इज नॉट नॉर्मल। उन्होंने फटाफट स्कूल में फोन आया, हमारे बेटी और दामाद को फोन किया, सब पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा यू विल हैव टू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये तय हुआ कि एस्कॉर्ट्स दिल्ली में उनको मूव करेंगे, और उसी समय हम विदिन कपल ऑफ आवर्स हम एस्कॉर्ट्स दिल्ली उनको ले गए। सब वहां जाके जब उनके टेस्ट हुए और NGO हुआ, तो पता चला कि उनकी मेन आर्टरी, एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज और दूसरी आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था। और संजय जी, ये फ्राइडे को वो डिस्कम्फर्ट उन्होंने महसूस करी, हम मंडे को वहां पहुंचे थे विद 100% एंड 90% ब्लॉकेज। गुरुजी ने संभाला हुआ था, अगर गुरुजी ने नहीं संभाला तो कैसे, आई मीन वन कैन नॉट इमेजिन व्हाट कुड हैव हैपेंड। बस गुरुजी की मेहर, वहां पे हॉस्पिटल में वो रहे 4-5 दिन, वहां पे सारे उनके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हुआ, स्टेंट डाला, और ऑल थ्रू आउट गुरुजी का स्वरूप, उनका ब्लेस करा हुआ स्वरूप उनके तकिए के नीचे था, एंड हिज ब्लेसिंग्स वर फ्लोइंग ऑल थ्रू। और वो सब कुछ ट्रीटमेंट होने के बाद वो घर पहुंचे, और फिर जब हम उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने बड़े मंदिर गए, घर लौटने के बाद, सॉरी छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट गए, तो जब आज्ञा का समय आया, मैं जाके गुरुजी को बताया, गुरुजी ऐसे तो ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और एंजियोप्लास्टी, और तो गुरुजी ने कहा ऐसा है कि गड़बी लेके आई, अगली बार आएंगी तो गड़बी लेके आई। तो हम फिर अगले दिन गए, गड़बी लेके हम गए, और फिर मेरे अंकल ने गुरुजी से को गड़बी दी, और गुरुजी ने उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा, और जैसे वो करते थे गड़बी में कुछ मंत्र शायद बोलते थे, जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती थी, तो उन्होंने लोटा ब्लेस किया, और वो लोटा आज तक उसमें जल लेते हैं और उससे नहाते हैं, जैसे कि करते हैं, संगत करती है।
मेरे अंकल से जुड़ी मैं एक दो छोटे छोटे सत्संग करना चाहूंगी, जहां पर मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया शुरू में यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं थे, जब हॉस्पिटल्स खुल गए शायद मेरे अंकल कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा है जहां पर वो एडमिट नहीं हुए, चाहे वो आर्टिमिस हो, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो मैदानता हो। वो पारस के तो चक्कर, क्योंकि हम बगल में रहते, कुछ ना कुछ किसी वजह से जाते रहते, तो कुछ ना कुछ इश्यूज आती रही, हेल्थ इश्यूज आती रही। और शायद गुरु जी कर्म कटवा रहे थे एक एक हेल्थ इश्यू को लेके, और फिर बस होता था कि जाते थे और बड़ी स्मूथली हम उससे निकल के छूट के वापस आ जाते थे। अब वो उस समय तो बहुत ही अपसेटिंग था, पर अब थोड़ी मुझे एक वो लगा कि गुरु जी कैसे हमें कैसे पार भर सागर से पार लगा देते थे उस समय। अब सोचते कि वो समय कैसे निकलता था पता भी नहीं चलता था, इतना स्मूथली सब कुछ हो जाता था ट्रीटमेंट। मेरे यहां तो अगेन छोटे से दो सत्संग के बारे, दो बार बाथरूम में गिरे ये बताना चाहूंगी, क्योंकि इसमें गुरु जी की ब्लेसिंग हमें दिन इन देर दिखी इसमें, तो इसे मैं शेयर करना चाहूंगी। एक पहली बार जब गुरु जी जब मेरे अंकल बाथरूम में गिरे थे, उस दिन मंडे का दिन था, और हम मंडे हर मंडे और फ्राइडेज उन दिनों में रेगुलरली जाते थे बड़े मंदिर। और मंडे का दिन था, नहा के निकलना था हमें बड़े मंदिर के लिए। तो इन्होंने मुझे बताया नहीं कि ही हैड अ फॉल इन द बाथरूम, और वहां पे उनको चेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ा, उस फॉल का इम्पैक्ट चेस्ट पे पड़ा। रास्ते में जब मैं ड्राइव करके जा रही थी एंड ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, रास्ते में उन्होंने मुझे बताया कि उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है। तो मैं थोड़ी आई गॉट अ लिटिल वरिड, और बड़े मंदिर पहुंचते पहुंचते उनकी तकलीफ बढ़ गई, और गाड़ी से वो उतर भी नहीं पा रहे थे। ही वॉज सो ब्रेथलेस, ही जस्ट वॉज फीलिंग द इतना चेस्ट में दर्द हो रहा था कि वो उतर ही नहीं पा रहे थे गाड़ी से। फिर मैंने कहा उनको, जैसे कि ऑल वाइव्स कहते, मैंने कहा चलिए हम वापस चलते हैं, लेट्स जस्ट रश टू अ हॉस्पिटल एंड गेट यू चेक्ड। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम यहां तक आ गए हैं, बिना दर्शन के हमें जाना नहीं चाहिए, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। उन्होंने जिद करी और मैंने उनका हाथ पकड़ के धीरे धीरे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, उनको अंदर तक ले गई। जनरली हम माथा टेक के वहां बैठते थे, उस दिन हमने बड़े मतलब हॉल में माथा टेका, और फिर हम चाय प्रसाद की तरफ गए। और जब चाय प्रसाद ली, मैंने वहां भी मैंने कहा जल्दी से चाय पी के, उस दिन समोसा प्रसाद था, मैंने कहा चलते हैं, लेट्स जस्ट गो टू अ डॉक्टर। इसे नहीं नहीं प्रसाद यहीं पे खाना चाहिए। तो आई नो ही वॉज वेरी राइट अबाउट दैट, मैं भी समझती थी कि प्रसाद तो मंदिर में ही खाना चाहिए, पर मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैंने ये भी कहा उनको, मैं अनाउंस करवा देती हूँ वहां बोल के किसी को, कोई डॉक्टर है तो आके चेक कर ले। तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया, कहते थे नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। खैर वहां हमने बैठ के प्रसाद लिया और प्रसाद छका, वहां से हम निकले और गाड़ी में बैठे, और हम शायद गुरुजी पब्लिक स्कूल तक ही पहुंचे होंगे कि इन्होंने कहा नाउ आई एम बेटर, आई एम फीलिंग नॉर्मल। आप देखिए प्रसाद की महत्व, वो ही कहते हैं कि मंदिर में खाओ तो प्रसाद, घर ले जाओ तो मिठाई, वो तो है ही, पर इतनी जल्दी गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया कि बाय द टाइम वी रीच गुरुजी पब्लिक स्कूल, वहां तक मोड़ तक ही आए थे कि ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर, एंड जब तक हम घर के पास पहुंचे ही वाज फीलिंग मच बेटर। फिर भी हम हॉस्पिटल गए, वी थॉट वी शुड वेरीफाई, पता लगाना चाहिए कि हुआ क्या है। जब सब कुछ हुआ, उनके सारे टेस्ट हुए, ईसीजी और एक्सरे वगैरह, पता चला एक हेयरलाइन क्रैक, उनकी रिब में एक हेयरलाइन क्रैक हो गया था। खैर वो ही केम आउट ऑफ दैट। इसी तरह काफी महीनों बाद ही हैड अ सेकेंड फॉल, और इसको आई विल जस्ट मेक इट शॉर्ट। सेकेंड फॉल के बाद उनको पता ही नहीं चला कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उनके लोअर एब्डोमेन में, उनके बैक पीछे पीठ की तरफ से ब्लीडिंग हो रही थी बिकॉज उस फॉल के इम्पैक्ट से, और बाहर कहीं पता नहीं चल रहा था। तो उस दिन शाम को जब मार्केट गए तो ही कोलैप्स्ड,
वो अनकॉन्शियस हो गए और कोलैप्स, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप कर गया था जो हम रियलाइज नहीं कर रहे थे। वहां पे फिर लोगों ने उनको उठा के पास के क्लिनिक में ले गए और वहां पे जब चेक हुआ तो इनका बीपी 80-30 था, 80-30 विच इज सो अनसेफ, ऑलमोस्ट डेंजर लेवल, लाइक यू नो 80-30। खैर उसके बाद जो भी हमने गए ट्रीटमेंट कराए और इस सिचुएशन से भी गुरुजी ने इस गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बस ही केम आउट ऑफ दिस। सो ऐसे ऐसे कई ऐसे मौके हैं जहां पे इनको वी हैव टू रश इनटू द हॉस्पिटल, इमरजेंसी में जाना पड़ा। वही कहते हैं कि वही मुझे तो शब्द ही गुरु जी के याद आते रहते हैं, याद आ रहा है वो शब्द जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। वाकई जब गुरु जी का हाथ हमारे सर पे है तो वो कैसे दुख गुरु जी को निकाल ही लेते हैं, सब दुखों में से आते हमें। गुरु जी ने हमें दो बार जीवन दान दिया, एक बार तो जोधपुर में हमारा, हम दोनों जोधपुर राजस्थान की सैर के लिए बाय रोड निकले थे और वहां पे एक हमारी कार का ट्रक के साथ एक हेडलॉन्ग कोलिशन होते होते बच गया, वो डाइवर्ट हो गया। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और पता नहीं, अभी सोचते हैं तो लगता है कि दैट वाज नेक्स्ट इम्पॉसिबल जैसे जो वो सिचुएशन था उस समय, पर वो भी डाइवर्ट हो गया और गुरुजी की असीम कृपा कि हम बच निकले वहां से। दूसरी बार मैं ड्राइव करके जा रही थी, अपने स्कूल जा रही थी और सुबह के समय, और एक इनोवा टैक्सी जो फुल स्पीड में आ रही थी जैसे कि टैक्सी चलती हैं, उन्होंने आके मुझे इतनी जोर से साइड से आके मारा, फ्रॉम ऑन द एक तरफ से मारा गाड़ी पे, कि मेरी गाड़ी पूरी की पूरी घूम गई और इतनी बुरी तरह डैमेज हुई, इतनी बुरी तरह ठुक गई कि 3 महीने तो मैं वो वर्कशॉप में ही पड़ी रही। इट वॉज इन सच अ बैड कंडीशन, पर मैं स्क्रैचलेस बच गई, कुछ भी नहीं, गुरु जी का स्वरूप तो गाड़ी में लगा ही था, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, और बस थोड़ी सी इंपैक्ट से मुझे कुछ ब्रीदिंग इश्यूज हुए, वो भी 1-2 घंटे के लिए, और आई वॉज बैक टू नॉर्मल। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम। वही मुझे तो शायद गुरु जी के ब्लेस शब्द हैं कि क्यों कहते हैं कि गुरु जी के शब्द में इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि बस उनको सुनो और उनको याद करने में ही आपकी ब्लेसिंग्स आपकी को मिल जाती हैं। जैसे वो मुझे शब्द याद आ रहा है, जिस दा साहिब डाडा होए उन्हु मार सके ना कोई। वाकई वही बात हुई उस समय। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सत्संग विद ऑल ऑफ अस। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके सत्संग से पता चली हैं। एक बहुत ज़रूरी बात गुरु जी के जल प्रसाद के बारे में, न्यू संगत का मैसेज भी आता रहता है मुझे कि अंकल लोटे के बारे में बता दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया, प्लेलिस्ट में जाइए, मैं नीचे लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, गुरु जी सत्संग इन्फॉर्मेशन। हमारे ही चैनल पर गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स में अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। एक में है नितिन अंकल सत्संग लाइव और एक में है गुरु जी सत्संग इन्फॉर्मेशन। गुरु जी सत्संग इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट को खोलिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें आपको गुरु जी जल प्रसाद के बारे में, कैसे आपको लोटा ब्लेस करा के आना है मंदिर से, सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। वो एक बार आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ आंटी ने शेयर की है, गुरु जी के शब्द, गुरु जी के जो ब्लेस शब्द हैं वो कौन कौन से हैं जो गुरु जी ने खुद ब्लेस किए हुए हैं, उसकी लिस्ट तकरीबन 200 शब्द मैंने शेयर किए हुए हैं गुरु जी सत्संग इन्फॉर्मेशन में। अगेन प्लेलिस्ट में देखिएगा, यू विल गेट द लिस्ट, मल्टीपल लिस्ट हैं, आपको मिल जाएंगी। एक बात और आंटी ने कही है, गुरु जी शब्द, गुरु जी जल प्रसाद और लंगर के बारे में। लंगर का आपको पता ही है,
जैसा मैंने शुरू में कहा था, गुरु जी के दरबार में खाएंगे तो वो दवाई का काम करेगी और घर जाके खाएंगे तो वो मिठाई का काम करेगी। यही कारण है कि गुरु जी, कई बार ऐसा सुना गया है जो संगत ने गुरु जी के टाइम पे जब जाते थे वो अंपायर स्टेट या बड़े मंदिर, तो ऐसा होता था कि संगत ट्रेवल करके आई है पूरा दिन और गुरु जी के पास पहुँचे, लंगर किया और गुरु जी ने उनको बोला, आज्ञा दी है जाओ, मतलब अब तुम्हें आज्ञा है अपने घर जाओ। तो संगत भी हैरान हो जाती थी कि हम पूरा दिन ट्रेवल करके आए हैं, 6-8-10 घंटे का ट्रेवल किया है, गुरु जी के पास बैठने आए हैं, गुरु जी ने लंगर कराया और भेज दिया, तो गुरु जी की ब्लेसिंग है लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में। आपसे रिक्वेस्ट है वहीं पर खाइए, अगर डिस्पोजेबल में मिलता है, आजकल बड़े मंदिर में डिस्पोजेबल में मिल रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि नियरेस्ट जगह पे जाकर या अपनी गाड़ी में बैठकर वहीं खाकर आइए। घर लाके खाने का आई डोंट सी एनी बेनिफिट, बाकी जैसे आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह पहले मैं आपके सामने संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और उसके बाद स्टोरी। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए, आई विल शेयर इट विद ऑल द संगत। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास हरी घास का मैदान था जिसमें अनेक प्रकार के फूल और पौधे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और उस मैदान की तारीफ करते। उस मैदान में गुलाब के पौधे पर एक पत्ता भी था। जब लोग हरी घास और फूलों की तारीफ करते तो वह पत्ता खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस करता। उस समय वह सोचता, मेरी और कोई नहीं देखता, मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है क्योंकि मैं किसी के भी काम नहीं आ सकता। मैं हरी घास या इन फूलों जैसा सुंदर भी नहीं हूँ, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, शायद यही वजह है कि मेरी और कोई नहीं देखता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। आखिर इतने फूलों और हरी घास के बीच मुझ मामूली पत्ते को कोई क्यों देखेगा? पत्ते को अपनी ज़िंदगी पर काफ़ी अफसोस हुआ, अब वह काफ़ी उदास रहने लगा। एक दिन बड़े ज़ोर से हवा चली, आंधी आई, उस दौरान हरी घास झूमने लगी, फूल अपनी शाखाओं से टूटकर नीचे गिर गए और इसी समय पत्ता भी एक हवा के झोंके से गिर गया और सामने के तालाब में जा गिरा। तालाब में एक चींटी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पानी की लहरों से संघर्ष कर रही थी। वह काफ़ी थक चुकी थी और अब मान चुकी थी कि उसका डूबना तय है, अब वो नहीं बच पाएगी, मर जाएगी। तभी वह पत्ता चींटी के पास आया और बोला, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मेरे ऊपर बैठ जाओ। चींटी ने पत्ते की मदद मंजूर कर ली। थोड़ी देर बाद वह पत्ता चींटी को किनारे तक ले आया तो चींटी पत्ते से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज तुम नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी चली जाती, तुमने मेरी जान बचाई है। तब पत्ते ने कहा, धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए क्योंकि आज पहली बार मुझे तुम्हारी वजह से अपनी काबिलियत का एहसास हुआ जिससे मैं अभी तक अनजान था। मेरे जीवन के मकसद और मेरी ताकत को मैंने आज पहचाना है। किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए कमज़ोर या अयोग्य होना नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं किया। ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग काबिलियतें दी हैं। हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है, इसलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए।
आत्मग्लानी महसूस नहीं करनी चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा कि कैसा लगा आपको सत्संग। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय गुरु जी।